लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, असंख्याएं किस्म किस्म की पैदा हैं, और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को ये चैलेंज कर दिया है कि चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देखे, फिर नतीजों का पता चल जाएगा। ये मायावती का कहना है। मायावती ने ईवीएम को नकार दिया है। मायावती जन्मदिन के मौके पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब थी। इस मौके पर जब इस तरह के सवाल किए गए तो उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने अभी जो हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में, उसका जिक्र करते हुए कहा कि बीएसपी का प्रदर्शन बहुत ख़राब नहीं था, बीएसपी के जो वोटर्स थे उन्होंने वोट ज़रूर डाला, हालांकि उसमें कमी देखने को मिला है ज़रूर, लेकिन उन्होंने इसके लिए ईवीएम को दोषी करार दिया है। मायावती ने कहा कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे हैं बीएसपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और बीएसपी की सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन जब से ईवीएम के माध्यम से चुनाव होने लगे हैं बीएसपी का वोट प्रतिशत कमने लगा है, बीएसपी की सीटें कमने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, यानी 2022 का हम जिक्र कर रहे हैं, कि जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो कई ऐसे बूथ थे जहाँ बीएसपी को वोट डाला लोगों ने, लेकिन वोट बीएसपी को नहीं गया, वोट कहीं और चला गया। ये मायावती का कहना है। मायावती ने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे देश हैं जहां ईवीएम से चुनाव होते थे, लेकिन जब वहां शंका हुई कि इसमें घपले किए जा सकते हैं, ये घपले हो सकते हैं, तो वहां ईवीएम पर बैन लगा दिया गया, अब फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने लगे। तो फिर इंडिया में, यानी भारत में, क्यों नहीं चुनाव हो बैलेट पेपर से? ये मायावती का कहना है। मायावती ने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इसका फ़ायदा बीएसपी को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये शंका बनी हुई है, ये गुंजाइश बनी हुई है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही धांधली ज़रूर होती है। ये मायावती का कहना है। तो मायावती ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया और अपने विरोधी पार्टियों को भी निशाने पर लिया, और स्पष्ट रूप से मायावती ने कहा कि ईवीएम पर बैन लगाया जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीएसपी के प्रदर्शन अच्छे होंगे और बीएसपी की सीटों में न सिर्फ इजाफा होगा, वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा, और ये मायावती का कहना था इस मौके पर। तो अब जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने कई मौक़ों पर ईवीएम के ख़िलाफ़ शिकायतें की हैं, उसको बल मिलता दिखाई दे रहा है मायावती के इस बयान के बाद। हालांकि मायावती ने इस मौके पर एक बात और ये भी कह डाली कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची ताकि ईवीएम से अब चुनाव ना हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो इस मामले में मायावती के जो ये सुर निकल करके सामने आए, वो विपक्षी पार्टियों के सुर से सुर मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मायावती भी वही चाह रही हैं जो दूसरी विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं। हालांकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी की बात की जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले में न सिर्फ खामोश है, बल्कि ईवीएम के चुनाव को लेकर के वो कभी कभी बचाव की मुद्रा में भी आ जाते हैं या आ जाती हैं। तो अब विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन इस मुद्दे पर क्या हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मायावती ने खुल करके ईवीएम के ख़िलाफ़ बोला है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर बोला है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर बोला है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर बोला है, और भी दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं उसने भी इस पर बोला है। तो अब मायावती की जो ये आवाज़ है, मायावती ने इस मौके पर यह भी कहा कि वो आपके माध्यम से, यानी कि जो वहाँ पे मीडिया कर्मी थे उनसे मुखातिब होते हुए उन्होंने कही ये बात कि हम आपके माध्यम से अपनी ये बात केंद्र तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि चुनाव आयोग तक पहुँचाना चाहते हैं, केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मायावती ने इस मौके पर कई देशों का उदाहरण दिया और कई देश ऐसे थे जहाँ ईवीएम से चुनाव कराए जाने शुरू हुए थे, लेकिन वहाँ जब इस बात की शंका जाहिर की जाने लगी कि इसमें धांधली हो सकती है तो वहाँ ईवीएम से चुनाव पर रोक लगा
दी गई और बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी का उदाहरण पेश करते हुए मायावती ने यह बात कही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से धांधली होती है। यह मायावती का सीधा और बड़ा इल्ज़ाम रहा इस मौके पर, और बहुत बड़ी बात मायावती ने कह दी है। और उन्होंने कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें धांधली होती रही। वीवीपैट की बात उन्होंने कहा कही कि उन्होंने कहा कि अगर पर्ची को मिलाया जाए तब भी बात बहुत हद तक समझ में आएगी, लेकिन इस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, तमाम पर्चियों को नहीं मिलाया जाता जिस वक्त वोटिंग होती है ईवीएम मशीन के माध्यम से, तो पर्चियों को भी नहीं मिलाया जाता है, ये भी मायावती ने कही बात। तो अब ये देखना होगा कि अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, यानी कि अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, 2023 का ये साल शुरू हो चुका है, तो अब धीरे धीरे तो वक्त गुजरता ही जाएगा और चुनाव की तारीखें नज़दीक आती चली जाएंगी। तो और चुनावी समर में साल डेढ़ साल का बहुत ज़्यादा अहम वो महत्व नहीं होता है, इसलिए इसको कम समय ही माना जाना चाहिए। तो अब देखने वाली बात यह होती कि मायावती ने इस मौके पर जो ये बात उठाई है उस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, यानी विपक्षी पार्टियों का मतलब जैसे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और भी दूसरी पार्टी हो, शिवसेना हो, और भी दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है, उस तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या मायावती की इस बात को वो लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही या इन पार्टी के नेताओं ने पहले ही इस मुद्दे को उठाया हुआ है। बीएसपी ने भी कई मौके पर इस मुद्दे को उठाया ज़रूर था, लेकिन मायावती ने इतने मुखर होकर के इस मुद्दे को नहीं उठाया था जितनी वो मुखर नज़र आ रही थी इस मौके पर। और उन्होंने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है जिसकी वजह से नुकसान होता है और इसमें धांधली होती है, उसकी शंका बनी हुई है और इस शंका का निदान होना चाहिए। तो सीधे सीधे मायावती ने ये बात कही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि चुनाव आयोग मायावती की इस मांग पर तवज्जो देता है या नहीं देता है। बहरहाल ऐसी उम्मीद अभी तो नज़र नहीं आ रही है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां मुखर होती जा रही हैं, शायद भविष्य में इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। बहरहाल ये भविष्य की बात है और भविष्य की बात के बारे में अभी कुछ कह पाना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ ये है कि अटकल ज़रूर लगाया जा सकता है, यानी कि कयास ज़रूर लगाए जा सकते हैं, बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। मायावती की इस बात पर चुनाव आयोग का जवाब आता है या नहीं आता, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।